नमस्कार, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर भगवान गैवीनाथ की नगरी बिरसिंहपुर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल को ब्राह्मणों के विरोध का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक सीधी घटनाक्रम में कांग्रेस की महती भूमिका के कारण प्रवेश शुक्ला के घर को गिराए जाने से ब्राह्मण समाज आक्रोशित था, जबकि प्रवेश शुक्ला के पिता का कहना था कि यदि मेरे बेटे ने अपराध किया है तो उसे सजा दी जाए, उसकी सजा हमें ना दी जाए। सीधी घटना कार्यक्रम में कांग्रेसियों की भूमिका से व्यथित ब्राह्मणों ने राहुल सिंह को काले झंडे दिखाए व अजय सिंह राहुल वापस जाओ के नारे से बिरसिंहपुर में विरोध किया जा रहा था। पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झूमा झपटी भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने SDOP को हटाए जाने की भी मांग की। वहीं पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों की गाड़ी में लाठी डंडे भी थे। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर थाने ले गई। बिरसिंहपुर में कानून व्यवस्था के मद्देनजर चित्रकूट SDOP आशीष जैन, बिरसिंहपुर तहसीलदार अजीत तिवारी, धारकुंडी थाना प्रभारी समेत भारी संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किए गए थे। धन्यवाद। जबरदस्ती बंद किया गया, फिर भी हम लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन, जिस तरह जिस समाज से हम लोग आते हैं उस समाज के तरीके से हमारे संस्कार हैं, हम अपने संस्कारों में प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन कुछ शरारती तत्वों द्वारा, जैसे कि एकाध लोग कांग्रेस के वो अंतदेव सिंह डिग्गी लोग, ऐसे एकाध लोग उसके साथ में आए और ब्राह्मण समाज का जो पर्चा लिया था उसको छोड़ा करके और अपने पैरों से कुचले, वो हमें बुरा लगा, जिसमें पुलिस उसके साथ में खड़ी थी और हम लोग उसका नहीं दिया गया। और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे बंधुओं के साथ मारपीट। सतना स्टार विंध के सभी क्षेत्रों में संवाददाता और ब्यूरो चीफ नियुक्त करने जा रहा है। यदि आप भी पत्रकारिता क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो ये मौका आपके लिए है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, पन्ना के लोग हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।